वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो लेखपाल की भर्ती है उसके बारे में सभी बहुत पूछ रहे हैं कि कब तक भर्ती आएगी, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपके शैक्षणिक अर्हता, ट्रिपल सी से रिलेटेड और बाकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेखपाल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ सैलरी सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इस वीडियो में बने रहिए। और उसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के साथ जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है वो भी दे रहे हैं, तो हमने हिंदी के कोर्सेज चलाए हैं, वो जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रस्तावों पर कर रखा है परीक्षण, दिसंबर में आएगा विज्ञापन। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि इसकी वैकेंसीज कब आएगी, तो दिसंबर में आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 10,000 पदों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। यूपी ट्रिपल एससी दिसंबर में तक रिक्त पदों के विज्ञापन निकालने की तैयारी में, जिसमें देखिए जो जूनियर इंजीनियर है अवर अभियंता इसकी निकल चुकी है, कनिष्ठ सहायक, वन रक्षक और सचिवालय इनके भी अलग हो चुकी है, बट सिर्फ रह गई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लेखपाल की। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार में लंबित विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ 4,706 रिक्त पदों के लिए अलग अलग 3 विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें देखो 1200 से 15 पद ये जो हो चुका है। उसके बाद करीबन ये जो कनिष्ठ सहायक है इनके 4,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव हुआ है। नेक्स्ट इसके लिए भी दिसंबर में जारी करने का प्रयास चल रहा है, तो जो कनिष्क है उसका भी दिसंबर में जारी हो जाएगा। सचिवालय में समूह गा के कंप्यूटर सहायक, विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्नेय रक्षक के 226 पदों पर भर्ती का भी प्रस्ताव चल रहा है। तो अब इसके बाद देखिए, अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री राजस्व लेखपाल के करीब 5,000 पदों पर भर्ती जल्द ही शुरू करेगा। राजस्व विभाग से प्रस्ताव मिलते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो दिसंबर में इसका विज्ञापन आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए लेखपाल के 4,000 पदों पर भर्ती जल्द, ये भी वही सेम है 4,000 से 5,000, क्योंकि जैसे ही ये पुराना है, जैसे ही आपको इसमें भी देखो यही है, राजस्व परिषद से जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही दिसंबर में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई लोग बोल रहे थे फेक है, बट ये फेक नहीं है। देखिए, जूनियर इंजीनियर का आ चुका है, अगर आप उसके लिए डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आप में से किसी ने भी कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म नहीं हुई है। तो नेक्स्ट इसमें भी वही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कंप्यूटर के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी का फॉर्म फिल नहीं किया या फिर जो भी इसमें अनिवार्य अर्हता है वो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। समाजवादी सरकार में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था। प्रदेश में भाजपा की सरकार के बदलते उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों का अधिकार से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ है। राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हैं, मुख्यमंत्री के पास मंजूरी भेजा है, वहां से इसे कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल की पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद भी यह तय नहीं हो सका है कि भर्ती राजस्व परिषद करेगा या फिर अधीनस्थ आयोग करेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अब ये तय हो चुका है कि भर्ती यूपी ट्रिपल एससी ही करेगा और आपको कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। राजस्व विभाग ने संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर की अर्हता जोड़ते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इसके आधार पर संबंधी प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। आयोग भर्ती में धांधली को रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा कराने की तैयारी में। बट देखिए, ये कोई अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि आवेदन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट हाँ, ये कंपल्स ये हो गया है फाइनल कि आपकी जो एग्जाम है जो लेखपाल की, वो यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स में तो देखिए, ये अभी जो लेखपाल का रिक्रूटमेंट है दिसंबर में आएगा, अभी वो एक्सपेक्टेड है और ये अनऑफिशियल है। उसके
कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है जनवरी लास्ट वीक, सॉरी दिसंबर लास्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक, थर्ड वीक भी मान लीजिए, दिसंबर थर्ड या लास्ट वीक तक आप लोगों का फॉर्म फिलिंग के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट इस बात को लेकर है कि लेखपाल भर्ती में कि ट्रिपल सी है या नहीं है, कि हम करें या नहीं करें। तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये बिल्कुल कंफर्म है और बिल्कुल मस्ट है कि कैंडिडेट मस्ट हैव कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रिपल सी टू पास द एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट इसमें है आपको 12th पास होना है, बट आपके पर कंपल्सरी है ट्रिपल सी। एज लिमिट आपकी 18 टू 14 इयर्स है, और उसके बाद एज लिमिट मतलब जो लोग जिनके पास में क्या बोलते हैं कैटेगरीज वाइज एज लिमिट बढ़ती जाएगी, जैसे कि ओबीसी के लिए अलग है और एससी एसटी के लिए भी एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आप लोग सैलरी के बारे में भी बहुत सारे लोगों के कंसर्न था कि सैलरी कितनी क्या होगी। 6th पे था, अब 7th पे हो गया, तो अब क्या सैलरी होगी, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सैलरी के बारे में भी। देखिए ये 6th पे कमीशन है या 7th पे कमीशन है, लेखपाल सैलरी स्ट्रक्चर पूरा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में आपको ये जो 6th पे में मिलती थी वो 20,200, अब जो है 7th पे में जो इंडियन करेंसी में आपको मिल रही है 16,000, और सेकेंड स्टेज में 1,00,000, थर्ड स्टेज में 1,50,000, और ये इतना है ओके। और जो फोर्थ स्टेज में आपकी हो जाएगी 1,00,000 to 2,00,000 ओके। तो ये आप लोगों की सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर है। पहले जो था सैलरी का स्ट्रक्चर वो 6th पे कमीशन था, अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इतना है। तो तैयारी में लगे रहिए, और उसके अलावा हम हैं ही आपकी हेल्प के लिए, हिंदी करंट और उसके अलावा जो आपका जनरल नॉलेज है और क्या कहते हैं इसमें रीजनिंग, ये सब हम आपके साथ में करते ही जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए हम दे ही रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काम आएगा। तो तैयारी में लगे रहिए, दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।